ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ संक्षिप्त विचार भाग दूजा। पहला फरमान, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सिद्धा ने गुरु नानक साहब नु पूछया के समझाओ कि शब्द राही किस तरह पाद उतारा हो जाता है। इस फरमान विच श्री गुरु नानक देव जी का उत्तर है। इस फरमान दे अर्थ विचारण की लोड़ है। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, अर्थ जीव का मुढ जां आरंभ पवन तो हुंदा है। इस पवन का वासा नाभी विच है। ये पैदा हुए जीव का वेला जां अवसर है कि वह सतगुरु की सिख्या लवे। ये पैदा हुए जीव का वेला जां अवसर है कि वह सतगुरु की सिख्या लवे। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, अर्थ पवन शब्द की घाटत करती है। पवन ज शब्द ही गुरु है। पवन राही धुन पैदा होती है, धुन तो सुरत बनती है। सुरत धुन चेला बन के शब्द के पिछे लग के निस्तारे वाली थां ते पहुंचती है। सुरत धुन चेला बन के शब्द के पिछे लग के निस्तारे वाली थां ते पहुंचती है। इस तरह पार उतारा हो जाता है। इस सुरत शब्द का मेल करने वास्ते एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। दास ने पहला दिते गए लैक्चर वर्णन किया है कि मनुख के सिर विच पांच घर हैं। पांच घर ये हैं, सूरज, सस, सुखमन, त्रिपटी ते दसवां द्वार। नाभी विच हिरदा है। सिर विच इन्हां पंजां घरां की खोज सुरत ने गुरमंत्र शब्द के पिछे लग के करनी है। सिर विच इन्हां पंजां घरां की खोज सुरत ने गुरमंत्र शब्द के पिछे लग के करनी है। पंजां घरां की खोज संबंधी भगत कबीर जी का फरमान है। फरमान, कहो कबीर खोजो आसमान, कहो कबीर खोजो आसमान, राम समान न देखो आन, राम समान न देखो आन। जदों जिग्यासु शब्द की कमाई करने वास्ते सुरत का ध्यान उपर वल उपर आसमान वल नूं करके गुरमंत्र शब्द की सूख मूर्त बनाएगा। गुरमंत्र की सूख मूर्त सिर तो उची जगह ते बनेगी। गुरमंत्र की सूख मूर्त सिर तो उची जगह ते बनेगी। सुरत नूं शब्द नाल मेलन वास्ते जदों जग्यासु अपना ध्यान शब्द की सूख मूर्त ते टिका के जां वल करके वाहिगुरु बोलेगा
सुरत उपर नू चढ़ेगी। सुरत नू शब्द नाल मेलन वास्ते जदों जग्यासू अपना ध्यान शब्द दी सूख मूल ते टका के जां वल करके वाहिगुरु बोलेगा सुरत उपर नू चढ़ेगी। इस ढंग नाल बोलदे रहन नाल शब्द दी सूह मूर्त आसमान वल उची तो उची होर उची हुंदी जाएगी, जिस दे नाल सुरत भी उची हुंदी जाएगी। इस ढंग नाल शब्द दी कमाई बोलन तो बिना श्वासां राही भी कीती जांदी है जां कीती जा सकदी है। इसे वास्ते श्री गुरु नानक देव जी ने सुरत नूं चेला ते शब्द नूं गुरु कहा है। इस संदर्भ विच श्री गुरु अर्जन देव जी का पवित्र फरमान अति सत्कारयोग सतसंगत नाल सांझा किया जाता है। फरमान साध कै संग बसै थानु चै, साध कै संग बसै थानु चै, साधु कै संग महल पहुचै, साधु कै संग महल पहुचै। अगले प्रमाण, पहला बुधवार बुध करै प्रगास, हृदय कमल में हर का बास। बुधवार बुध करै प्रगास, हृदय कमल में हर का बास। अगला प्रमाण, ये मन नेचल हृदय वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहे। ये मन नेचल हृदय वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहे। नाभ पवन कर आसन बैसै, नाभ पवन कर आसन बैसै, गुरमुख खोजत तत् लै, गुरमुख खोजत तत् लै। पहला इन्हां फरमान दे अर्थ विचार लै जान जी। बुधवार बुध करै प्रगास, हृदय कमल में हर का बास। हृदय विच कमल है जिस विच प्रभु दा वास है। गुरमुख बुधवार नूं हिरदे विच प्रभु नूं खोज के अपनी बुद्ध विच प्रभु दा प्रकाश करदा है। ए मन नेचल हिरदे वसीले, गुरमुख मूल पछाण रहे। नाभ पवन कर आसन बैसै, गुरमुख खोजत तत् लै। अर्थ, जोत स्वरूप ते नेचल मन दा वासा हिरदे विच है। जोत स्वरूप ते नेचल मन दा वासा हिरदे विच है। गुरमुख अपने हिरदे विच परमेश्वर नूं पछाण के अपने हिरदे घर विच रहिंदा है। गुरमुख अपने हिरदे विच परमेश्वर नूं पछाण के अपने हिरदे घर विच रहिंदा है। नाभी विच पवन दा वासा है। गुरमुख नाभी विच आसन ला के खोज करके परमेश्वर नूं पा लैंदा है। इस फरमान दे संदर्भ विच दो होर फरमान सांझे कीते जांदे हन। फरमान मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग माण, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग माण। अगला प्रमाण,
प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। फिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। प्रभु नूं खोजन संबंधी गुरबंध अनुसार मोटे तौर ते दो ढंग हन। एक ढंग है अपने सिर विच खोज के सुखमन घर विच पहुंचना। सुखमन घर चित्त जां बुद्ध है। दूसरा ढंग है पेट के अंदर नाभि विच परमेश्वर नूं खोजना। इन्हां दोवां रस्तियां विच खोजन दा ढंग एक ही है। वो ढंग यह है गुरमंत्र दा वासा सिर विखे मन विच जां पेट के अंदर हिरदे विच करके प्रभु की खोज करनी हुंदी है। पहला दिते गए लैक्चरां विच दास ने मन जां हिरदे विच गुरमंत्र नूं वसाउण बारे अपने विचार सांझे कीते सन। इस लैक्चर विच उन्हां विचारां नूं दोहराउण दी लोड़ नहीं है। अंत विच समाप्ति करदा होया दास गुरु प्यारी अति सत्कारयोग सत्संग तों उल जुग दी खिमा मंगदा होया गुरु फतेह दी सांझ करदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।